ढाबों पर काम बदस्तूर जारी है, शराब के ठेके भी खुले हुए हैं, होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। ये पंजाब के कपूरथला में नाइट कर्फ्यू का नजारा है। कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए यहाँ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन कर्फ्यू का पालन किस तरह से हो रहा है इन तस्वीरों में देख लीजिए। पंजाब उन सूबों में है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। ये तस्वीर होशियारपुर की है जहां लोगों को कर्फ्यू की जानकारी दी जा रही है। अपील करते हैं कि मां जो पंजाब सरकार के जो हुक्म हैं उन्होंने पूरी पालना की जाए। कोरोना जो बीमारी है एदे विच जो पंजाब सरकार ने और डॉक्टरी मारा ने हदायतां दसियां हन, एहतियात वरतन वास्ते कहा है, वो पूर्ण किया जाए। अगर कोई लॉकडाउन की पालना नहीं करता उसे सख्त एक्शन किया जाएगा। कोविड को रोकना है तो कर्फ्यू को मानना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ का नजारा देखिए। जिले में धारा 144 लागू है, लेकिन उर्स मेला चल रहा है। इसी रायगढ़ में जीएनएम नर्सिंग सरकारी हॉस्टल में 12 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है। एमपी के इंदौर में लापरवाहों पर एक्शन भी हो रहा है। इंदौर के जेल रोड क्षेत्र में उन दुकानों को कल सील कर दिया गया जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इंदौर में अब तक 17 दुकानों को सील किया गया है। इंदौर में अब तक मास्क न पहनने वाले 3,194 लोगों से 1,99,610 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। दुकान संस्थान है वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, इस तरह के निर्देश है। करीब 15-17 दुकान संस्थान को सील कर चुके हैं। तो हो जाए सावधान, अगर आपके क्षेत्र में कोविड के मरीज हैं तो और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज तक ब्यूरो।